अभी ये धनिया कूटेंगे। हमारे पास ना सिलबट्टा नहीं है, सिलबट्टे में पीसते बहुत टेस्ट आता है। मम्मी ने तो पिछली क्या बार करें, चटनी बना के डाल के किया हाँ था, वो पता बहुत करें, जल्दी बन गया था, पता है। पर उसमें टेस्ट नहीं होता ना। ये आपका खाना बन रहा है दीदी, है खाना? मेरी सब्जी बन चुकी है, बस मैं अब बटर नान बनाऊंगी जाके। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज संडे है और अब 2 बज गए हैं, अब हम बाहर निकल रहे हैं नहा धो के, क्योंकि सुबह सुबह इतना कोहरा हो रहा है ना आजकल यहाँ पे हिमाचल में। तो आज हम, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आज हम बनाएंगे खत्ता। ये देखो, ये हमने ले लिया सामान खत्ता, इसको इसको बोलते खत्ता। ये धनिया, दही, ये गुड़, चीनी, कद्दूकस, मिर्ची और ये कुटना है, नमक नमक। और पल्लू बनाएगी ये, और इसने भी अभी गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे कैसे बनाते हैं, इनको भी खाया नहीं आता। हुआ है बहुत बार पर बनाया नहीं है, तो आज पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है। वैसे मम्मी ने एक बार पहले बना चुकी हैं, मैंने बोला था संडे को बनाएंगे, पर मम्मी ने उसी दिन बना दिया था, वो भी अच्छा बना था, एक ही बनाया था मम्मी ने, बहुत खट्टा। वो देख कुत्ते बाहर ही लेटे हुए। और अभी पता क्या हुआ, ये देखो ये ये दोनों दो आए, बदतमीज बच्चे हमारे घर के, मगर क्यों? ये दोनों अभी आए नानी के घर से, और बाहर इतने सारे कुत्ते बैठे हैं ना, ये देखो पूरी गली के कुत्ते इन्होंने इकट्ठे कर लिए। हाँ, इनके पीछे पड़ गए थे तुषार, वो वाला कुत्ता वो जो जंप मार हाँ। के अंदर आया यार, वो तो बड़ा खतरनाक है। एक कुत्ता है वो सीधा बाहर से जंप मार के घर के अंदर आ गया, और पहले ऐसे बैठी थी डर गई। और वो कुत्ते ना बहुत डेंजर है गाइज। मैं एक दिन जॉब जा रही थी, सुबह उठी मैं जॉब गई, तो पहले तो दिखे नहीं मेरे को, फिर जब मैं जा रही थी तो एकदम से पीछे से आ गए इतने सारे कुत्ते, ऊपर को चढ़ने को हो गए, और एक ने तो पूरी तलवार ही पकड़ ली थी, और मैं रास्ते में इतना डर गई मैं नहीं मानता। पर एक अच्छे वाले अंकल मिल गए, यहीं पे सामने रहते हैं, उन्होंने मेरे को बचा लिया कुत्तों से, वरना कुत्ता मेरे को खा जाता। जो हमारे वाले है ना, हमारे वाले 3 कुत्ते हैं, वो नहीं करते, कुछ दूसरे वाले हैं वो करते हैं। देखो अभी ये धनिया कूटेंगे। हमारे पास ना सिलबट्टा नहीं है, सिलबट्टे में पीसते बहुत टेस्ट आता है। मम्मी ने तो पिछली बार चटनी बना के डाल के किया था, वो बहुत जल्दी बन गया था, पता है। पर उसमें टेस्ट नहीं होता ना, मतलब टेस्ट तो होता है पर इतना मजा नहीं आता, खट्टा था वो बहुत मस्त। अब हम इसको तब तक कूटेंगे जब तक इसका चटनी नहीं बन जाती। इसे पहले फिर उसमें ना कर दे। नहीं यार, मिक्सी सब हर चीज का टेस्ट अलग अलग है, इसलिए तो हर चीज अलग अलग बनाई है। और अब निकली है 2 बजे धूप, बंद सुबह से धूप नहीं थी, और अभी भी हम लोग ही बैठे हैं, और दीदी और तो अंदर है, दीदी और पापा वो निकल रहे नहीं, उन लोगों के फोन ही नहीं हट रहे। हाँ, सुबह से उठ के फोन ही चला रहे हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। देखो हमारे घर में सिर्फ हम लोग ही नहाए हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ, तो ना क्या ही है? अच्छा, मुंह से तो नहीं लग रहा, गजब बेइज्जती है। बाल तो ना क्या है, रोड से वो सच्ची भगवान की कसम खा, भगवान ऐसी कसम खा रहा है, भगवान की कसम खा रहा है। ये देखो ये अच्छे से कुट गया अब, और दीदी ये छिड़ रही है, और ये 3 पर नींबू नहीं, नींबू तो छोटा होता है, और जो संतरा होता है वो होते हैं नींबू की मम्मी, और ये नींबू का पापा है। ये और कितना कुछ ना है, चटनी बनानी है इसकी अच्छे से करके, और कुछ इसमें इसमें से थोड़ी ना बनेगी, फिर अभी तो और डालना है इसमें, अभी तो थोड़ा सा है। ये देखो गाइस, हम यहाँ पे अपना खत्ता बना रहे हैं, और ये भी आगे दाना चुगने कबूतर इतने सारे, तो ये कट गया, अब इसके अंदर आ गया दलिया दही, अब इसको हम इसमें करेंगे हम गोर कद्दूकस, और डालेंगे इसमें चटनी और थोड़ी सी चीनी, और मिलाएंगे। तो अब ये फाइनली बन गया है हमारा, पता नहीं कैसे बनाए, खा के देखेंगे, फर्स्ट टाइम बनाया है हमने घर पे, मम्मी ने बनाया था, पल पल्लू ने फर्स्ट टाइम बनाया, मम्मी ने तो वो दूसरे टाइप का बनाया था ना। हाँ, इसमें खा के बता कैसे। इसका दांत ही नहीं आगे वाला। कैसा है? क्या मेरी कटोरी दो, कटोरी में वंशु को दे दे, मेरे साथ खा ले, मैंने खा लिया, कटोरी अच्छा भी है इसका। मैं खा के बताऊंगा कैसा है ये। वंशु इधर से एक और कटोरी लेके आ मेरे लिए, खट्टा जाना है इसमें, गोल का भी तेल सारे मस्त है, मतलब बना बैन, मैंने इसका कुछ खट्टा चीज तो डाली नहीं है, ये यही चीज खट्टी है ना, मीठा भी डलता है, चीनी डलती है बहुत ज्यादा, तो उसके साथ लगा के खाने में मजा आता है, मस्त है। मारी तूने, मार मार, मैं नहीं चाहता। ओए नहीं, रहने दे रहने दे, काट दो।
पैर के ऊपर तो गिर जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं था। और हमारी नानी भी आ गई और ये मम्मी भी आ गई। मैंने कोटी भी चाहिए था गाइस। और ये मम्मी अभी कूड़ी लेके आई और ये भी सो गई थी, इसने रील भी नहीं बनाई। और हम आपको फिर दिखाएंगे, हमने ना नई एक रिंग लाइट खरीद लिया, उससे हम रील बनाते हैं इंस्टाग्राम की, ऐसे नाचते हैं मोए मोए। और ये हमारे चाय के लिए आ गए हैं समोसे, बहुत टाइम के बाद हम खाएंगे अब समोसे। तो ये हम लोगों की चाय बन के आए और समोसा भी आ गया। तो भाई उसे खा लिया, चाय पी लिया और अब रात में खाने के लिए आज बना रही है दीदी चीनी पड़ी, चिल्ली पनीर और कढ़ाई पनीर। तो अभी मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए और आपको दिखाऊंगा, रात हो गई है तो ठंड कितनी पड़ रही होगी। कोहरा अभी शुरू तो नहीं हुआ, देखो वैसे देखो धुंध तो नहीं पड़ी पर ठंड बहुत हो रही है आज भी। और मैं तो वैसे ही आ गया स्वेटर वेटर बिना पहने ले जा रहा था पनीर। तो मैं ये पनीर ले आया और यह बन गया चिल्ली पनीर पहले, और यहाँ पे कढ़ाई पनीर की हो रही है तैयारी। वो सब्जियाँ वब्जियाँ खाती हुई हैं दीदी ने। और अभी पल्लू और मैं बनाएंगे रील रिंग लाइट लगा के। ये हम लोगों ने रिंग लाइट मंगवाई थी मीशो से, आपको लगा के दिखाते हैं। ये दूसरे टाइप वाली है थोड़ी, ये रखो ये वाली है, यहाँ पे इसके लॉक होता है ना, इसको लॉक को खोलना पड़ता है। अभी हम फनी फनी रील बनाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टा का, वो जाके फॉलो करना उसमें। ये लग गया आपका टैग, फिर अब आपने रिंग लाइट, ये है हमारी रिंग लाइट मेन। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इसको ऐसे अब हमारी पूरी रिंग लाइट लग गई स्टैंड के साथ, और ये मैंने ऊपर भी कर दिया। और अब ये देखो ये बटन है, अभी मैं ऑन करूंगा और इसका ये कम भी हो सकता है, ये देखो इसकी ब्राइटनेस कम तेज, कलर भी चेंज होता है इसमें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब हम बनाएंगे रील, ये देखो ये भी हमारा रेडी हो रहा है और ये हमारा बन चुका है चिल्ली पनीर घर पे होम मेड बाय वर्षा शर्मा। और अभी रील हमने बनाई भी नहीं और चिल्ली पनीर बन गया। और उसके बाद फिर मैं आपको कपड़े भी दिखाऊंगा, मेरे को दीदी ने कपड़े खरीद के लिए शादी के लिए। अभी हम जाएंगे जनवरी की एंड में शादी में ना, तो उसके लिए कपड़े खाते नहीं थे, इसको ऐसे बना के दे दिया करूँगी संडे। बहुत टेस्टी लग रहा है, घर पे अच्छा भी हेल्थी भी बने और सस्ता भी बने। साफ सुथरा मारते तुम लोग तो। खाती नहीं है पनीर कैसी है वहाँ पे, भी खाया था। बोल रहे एक व्लॉग में कहता हम फर्स्ट टाइम इस होटल में जा रहे हैं खाने के लिए, हम होटल को खाना है, ये बोला रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये क्या बात करता है यार। अभी ये ग्रेवी बन गई है, पता नहीं कैसे कैसे बनी दीदी, क्या क्या किया अभी ग्राइंड कर दिए क्या टोस्ट किए थे जब हमने पहले ना, हाँ ग्राइंड कर दिया उसको, अब इसमें भून लिया अच्छे से, ऐसे पनीर डलेगा फिर। जैसे वो नहीं देखते फूड ब्लॉगर में, क्या ये आपको स्पेशल मसाला है। और अभी हमने तीन रील बना रही है और अब हमने आउटफिट चेंज कर दिया, हम और रील बना रहे हैं अभी। ये गिर गई था क्या, फिर तो ये लड़की होगी पक्का। साथ करो तू समझा। हाँ नहीं तू समझा नहीं। बन रहा है दीदी हैं खाना, मेरी सब्जी बन चुकी है, बस मैं अब बटर नान बनाऊंगी जाके। अब देखो ये रिंग लाइट का फायदा खुद भी ले रहे हैं, अब रील बना रहे हैं। और हमारी तो बन गई 4-5 बहुत सारी रील बन गई, अभी मैं अपलोड कर दूंगा और फिर अभी आपको दिखाऊंगा नान बना ले दीदी, बटर नान पापा गए हैं बटर लेने। ये देखो ये है मैदे का आटा, इसके ऊपर डाला धनिया, फिर अभी इसको और बेलेंगे। ये क्या डाला पानी, ये थोड़ा लगाया पानी,
इसको अब थोड़ा और पी लेंगे। अब ये देखो करके, हाँ ये पानी लेंगे, पानी लगाएंगे इस पे कि चिपके ना तवे से। नहीं तवे पे चिपकानी है इसको। गजब बेइज्जती है। इसको हमने ऐसे अब ये दारा हुआ, अभी ये थोड़ा थोड़ा पकेगा ना, फिर देखना वैसे तंदूर से कलते हैं ना वैसे दीदी कर लेगी। अगर उतर जाए तो हम उससे भी कर लेते चिमटे से। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा उतर जाना है तो चिमटे लगा के कर सकते हैं। चिमटे से ना, चिमटे से इसको पकड़ लेंगे और ऐसे लगा देंगे हम अमूल बटर ऊपर। इस पे लगा देंगे ज़्यादा मक्खन मसाला, हाँ, और फिर ये हो जाएगा तैयार। यहाँ पे व्लॉग बना रहा था, यहाँ पे ख़त्म भी हो गया सारा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी है। आपको कैसे लगा? बस ये तो फोन में लगी हुई है, ये देखो उनका बिग बॉस चल रहा है, देखो उन लोगों ने खा लिया, अब हम लोग खा रहे हैं। और ये पल्लू रील बनाने के बाद बीमार हो गए, मतलब सल चल लो गए बेचारे लग लेगा। तू पहले बैठ तू। अरे वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो दिन भर, कभी दर्द होती है कंप्यूटर में। क्यों आज से छुट्टी थी? चुप पागल, चश्मा ले ले पीला। 4 दिन से हो रही है मेरे को ये पीला ना चश्मा आता बेटा वो लगा पे। अरे इनके लगा तो है, चश्मे लगाती तो है यूज, रोज लगाती हूं तो। मैंने क्या बोला, लगाती तो है। हाँ। ये तो बोला ये पीले चश्मे आता बेटा वो लो स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन के लिए होता है वो। अभी बड़े कंप्यूटर बैठते हो ना ऊपर आंख में असर पड़ती है। मस्त है एकदम टेस्ट में, पर ज्यादा नहीं खाया जाता पता नहीं मेरे से क्यों। मुझसे भी ज्यादा नहीं खाया जाता, मेरे को भी सूखी रोटी चाहिए होती है। है तो टेस्टी, उसमें कोई शक ही नहीं है, बहुत टेस्टी है। पर खाया नहीं जाता ज्यादा, पता नहीं क्यों, ये मैदे का होता है ना इसलिए। अब आ जाते हो होटल पे तो वहाँ क्या मिलता है? यही मिलता आपको तो वहाँ पे भी, मैं कम ही खाता हूँ तभी। अरे वाह ये बना दे, ये देखो सिंपल भी आ गया, अच्छा आ गया। और सेम एक ऐसी हो, एक और चलता है इसमें, ये सेम है एकदम। ये पलक दीदी लाए, ये वर्षा दीदी गए थे ना घूमने, उन्होंने ये पहले ले ली थी सप्लाई लेने के चक्कर में, बताया नहीं और आके दिखाई ये वाली, और उससे पहले हमने ये वाली ले ली थी सेम। तो ये दिलाई पल्लू जी ने सर, ठीक है। और ये दिलाई एक जींस, ये मैंने दिलाया इसको। और ये दिलाई पिंपल ने, हाँ तो अलग नहीं, ये पूरी ब्लैक और वाइट है और कलर अलग है ना सर। हाँ। सेम मटेरियल। और दीदी कज्जू दीदी ने भी दो नहीं कज्जू दीदी ने एक दिलाई। व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye-bye.